C-I-E-T-N-C-E-R-T e presents Trilingual Dictionary of History for Schools Itihas Vidyalayon ke liye Tribhashi Shabdakosh Tariq <taryak> ki Lugat Schoolon ke liye Sahlasani. Letter W to Z Index Word and Page Number Wali Page One hundred Forty-five Vakay Navis Page one hundred forty five Watan Jagir, page one hundred forty five Wazir, page one hundred forty five Yavan, page one hundred forty six Zapt, page one hundred forty six Zakat, page one hundred forty six Zamidar Zamidari, page one hundred forty seven Zat, page one hundred forty seven Zikr, page one hundred forty eight Zimmi, Dimmi, page 148 Zoroastrianism page 148 Now let's move to the dictionary of history page 145 Vali singular of Olia see also Olia Wali Olia shabd ka ek vachan औलिया भी देखें वली लव्ज वली औलिया का वाहिद है मजीद देखें औलिया वकाय नवीस द डेजिग्नेशन रेफर्ड टू न्यूज राइटर्स हु वर्कड एज न्यूज रिपोर्टर्स इन प्रोविंसेस ड्यूरिंग मुगल टाइम्स एंड सेंट देयर रिपोर्ट्स टू द मीर बख्शी स्टेशनड इन द इम्पीरियल कैपिटल वकाय नवीस मुगल काल में उन समाचार लेखकों को वक़ाए नवीस कहा जाता था जो सूबों में संवाददाताओं के रूप में काम करते थे और शाही राजधानी में स्थित मीर बख्शी को अपनी रिपोर्ट भेजते थे वाकए नवीस इससे मुराद वो अखबार नवीस हैं जो मुग़ल दौरे हुकूमत में सूबों में नामा निगारों की हैसियत से काम करते और शाही हुकूमत में मुक्म मीर बख्शी को अपनी इतलात भेजते थे वतन जागीर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द टर्म रेफर्ड टू दोगी वेयर इन द मुगल एम्परर्स अलाउड द हेरिडिट्री चीफ्स दैट इज इंडियन किंग्स टू रिटेन देयर अटोनमस रूल आफ्टर एक्सेप्टिंग मुगल सुज्रैनिटी टू वर्ड्स देयर पे एंड पर्कस एस मंसबदार्स इनकेस द रेवेन्यू फ्रॉम देयर वतन जागीरस फेल्स शॉर्ट ऑफ देयर पे इन प्रपोर्शन टू देयर रैंक

भारतीय शासकों को मनसबदारों के रूप में उनके वेतन भत्तों के एवज में उनका स्वायत्त शासन अपने पास रखने की अनुमति दे दी थी यदि वतन जागीरों से इन मनसबदारों को प्राप्त होने वाला राजस्व उनके ओहदे को देखते हुए उनकी तनख्वाह से कम पड़ता था तो उन्हें साम्राज्य के दूसरे भागों में अतिरिक्त जागीरें भी दे दी जाती थीं वतन जागीर आमतौर पर प्रमुख की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को अपने आप हाँ मिल जाती थी तथापि बादशाह इस संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता था वतन जागीर मुगल अहद में इससे मुराद वो जागीरें हैं जहाँ मुगल शहनशाहों ने मरोसी सरदारों यानी हिंदुस्तानी राजाओं को मुग़ल इकतदार को कबूल करने के बाद बाहसीतः मनसबेदार तनख्वाह के औज इनकी अपनी खुद मुख्तार हुकूमत को अपने पास रखने की इजाज़त दे दी थी अगर इनके अपने वतन जागीर से हासिल होने वाली मालगुजारी इनके मनसब के तनासब से तनख्वाह के लिए कम होती तो हुकूमत के दूसरे इलाकों में भी अजाफी जागीरें दे दी जाती थीं वतन जागीर आमतौर पर सरदार के बाद इसके वारिस को मरूसी तरीके पर मुंतकिल होती थी अगरचे बादशाह को इस मामले में फैसले का इख्तियार था वजीर इन सेंट्रल एशियन एंड तिमुरिद ट्रेडिशन दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिवाइज्ड बाय तिमूर, द टर्म यूजुअली रेफर्ड टू एन ऑफिसर अंडर होम वेर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स फंक्शन इन द इनिशियल स्टेज द वजीर्स फॉर प्राइमरली मिलिट्री लीडर्स हावेवर अंडर द डेली सल्तनत द वजीर्स डिपार्टमेंट called the diwan e dealt mainly with income and expenditure. The authority of the Wazir depended to a great extent on the degree of importance that was attached to his office by individual Sultans. For example, the Wazir's authority became almost insignificant during the reign of Alauddin Khilji, Whereas under Firoz Tughlaq, the wazir's office became very prominent as the former never interfered with the latter's administrative functions. During the Mughal period, the term wazir was sometimes replaced by the term divan, as in the case of Akbar's reign. Although under Jahangir, the term wazir was again used. Wazir Madhye Ashii or Taimuri Parampara. अर्थात तैमूर द्वारा चलाई गई प्रशासनिक व्यवस्था में ये शब्द आमतौर पर एक ऐसे पदाधिकारी का सूचक था जिसके अधीन अनेक विभागों के प्रमुख काम करते थे प्रारंभ में वजीर प्रमुख रूप से सैनिक कमांडर होते थे किंतु दिल्ली सल्तनत के तहत वजीर का विभाग जिसे दीवाने वजारत कहा जाता था मुख्यतः आय और व्यय संबंधी कार्य करता था जहां तक वजीर के प्राधिकार का संबंध है ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता था कि तत्कालीन सुल्तान ने उसके उहदे को कितना महत्व दे रखा है उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी के शासन में वजीर का प्रभुत्व लगभग नगण्य हो गया था जबकि फिरोज तुगलक के शासन में ये पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि फिरोज अपने वजीर के प्रशासनिक कार्यों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता था मुगल काल में वजीर के लिए कभी कभी दीवान पद का प्रयोग होने लगा था जैसा कि अकबर के शासनकाल में किंतु जहांगीर के समय पुनः वजीर पद का प्रयोग होने लगा वजीर वस्त एशिया और तैमूरी रिवायत यानी तैमूर का इलाज करता इंतजामी निजाम में इससे मुराद आमतौर पर एक अफसर था जिसके तहत बहुत से महकमों के सदर काम करते थे इब्तदाई मरहले में वज़रा बुनियादी तौर पर सिपा सहलार थे ताहम दहली सल्तनत में वज़ीर के महकमे को दीवान वजारत कहा जाता था जो ख़ास तौर पर आमद व खर्च से मुतल अमूर अंजाम देता था वजीर का इख्तियार बड़ी हद तक इस बात पर मुनसर था कि मुनफर सलातीन इसके दफ्तर को कितनी अहमियत देते थे मिसाल के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में वज़ीर का अख्तियार तकरीबन गैर अहम हो चुका था जबकि फिरोज तुगलक के ज़माने में दफ्तर वजीर बहुत अहम हो गया था क्योंकि फिरोज़ तुगलक कभी भी वज़ीर के इंतज़ामी कामों में मुदाखलत नहीं करता था मुग़ल दौर में अतिला वजीर को बाज़ मरतबा दीवान से बदल दिया गया था जैसा कि अकबर के दौर में हुआ जबकि जहांगीर के दौर में असिला वज़ीर का इस्तेमाल दोबारा किया जाने लगा mazid dekhen divan page 146 yavana it is a sanskrit word which has come to be used since second half of the first millennium bce the term was initially used to designate foreigners of greek origin subsequently the term was also used to refer to other categories of foreigners such as the arabs and the turks द वर्ड वॉज प्रॉबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ आयोनिया एंड रेफर टू इट्स इन्ेबिटेंस एज आयोनियंस यवन ये एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व के द्वितीयार्ध से प्रारंभ हुआ था प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग यूनानी उद्भव के विदेशियों के लिए किया जाता था लेकिन आगे चलकर इसका प्रयोग अरबों तथा तुर्कों जैसे अन्य विदेशियों की श्रेणियों के लिए भी किया जाने लगा इस शब्द की व्युत्पत्ति संभवतः यूनानी नगर राज्य आयोनिया के नाम से हुई है जहां के निवासियों को आयोनियन कहा जाता था यवन ये संस्कृत लफ्ज है जिसका इस्तेमाल पहले हजारे के नी से शुरू हुआ इब्तदन इस इतलाह को यूनानी नसराद गैर मुल्कियों की निशानदेही के लिए इस्तेमाल किया गया था बाद में इसको गैर मुल्कियों के दूसरे जुमरों मसलन अरबों और तुर्कों के लिए भी इस्तेमाल किया गया गालिबन ये लफ्ज यूनानी शहरी रियासत आयोनिया से मुश्तक है जहां के बाशिंदों को आयोनियाई कहा जाता था जब्त द सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लैंड Crop yield and the prevalent price of the crop in the market, first adopted by Sher Shah Suri and subsequently by the Mughal Emperor Akbar, was known as Zabt. On his 24th regnal year, Akbar further modified the system to make such assessments in every 10 years. This came to be known as the Hesala system. However, the system was prevalent only in those areas where the Mughal administrators could survey the land and keep accounts. For example, during the reign of Akbar, it was prevalent in the Doab, Punjab and Malwa. See also Patta, Zabt, Bhumi ke Maap, उसमें पैदा होने वाली फसल और उस फसल के बाजार में प्रचलित मूल्य के आधार पर राजस्व निर्धारित करने की प्रणाली को जब्त कहा जाता था ये प्रणाली सर्वप्रथम शेरशाह सूरी द्वारा और तदुपरांत मुगल बादशाह अकबर द्वारा अपनाई गई थी अपने शासन के 24वें वर्ष में अकबर ने इस प्रणाली में फिर बदल किया जिसके अनुसार राजस्व का निर्धारण हर दसवें वर्ष किया जाने लगा इस नई प्रणाली को दहसाला प्रणाली कहा गया किंतु ये प्रणाली केवल उन्हीं इलाकों में प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासक भूमि का सर्वेक्षण कर सकते थे और उसका हिसाब रख सकते थे उदाहरण के लिए अकबर के शासनकाल में ये प्रणाली दोआब, पंजाब और मालवा में प्रचलित थी पट्टा भी देखें जब्त जमीन की पैमाइश पैदावार के तखमीना और बाजार में फसलों की राइज कीमत की बुनियाद पर मालगुजारी मुतन करने के तरीके को जब्त कहा जाता था जिसे पहली बार शेरशाह सूरी ने और बाद में मुगल शहनशाह अकबर ने अपनाया अकबर ने अपने दौरे हुकूमत के चौबीसवें बरस इसमें मजीद तरमीम की जिसके तहत हर दस साल में तखमीना लगाया जाता था इस तरीके को दस साल निजाम कहा जाता था ताहम निज़ाम सिर्फ उन्हीं इलाक़ों में राइज था जहाँ मुगल मुंतजमीन जमीन का जायजा लेते और इसका हिसाब और किताब रख सकते थे मिसाल के तौर पर अकबर के दौरे हुकूमत में ये निज़ाम दो आबाद पंजाब और मालवा में राइज था मज़ीद देखें पट्टा जकतजीज एनजॉइड अपॉन ऑल मुस्लिम्स under which they had to give fortieth part of their annual savings to the needy and the travelers it is often suggested that the practice of paying zakat was started by the prophet himself and it had been made obligatory for all muslims who had financial means to do so thus essentially zakat was not a tax to be levied by the rulers however during the sultanate period firoz shah tughlaq collected zakat as a regular tax and kept a separate account for it although there were instances of even influential people evading this tax. on imports and exports particularly the muslim traders were obliged to pay a two and a half percent zakat that is arms tax both under the sultans and the mughals zakat. ये एक प्रकार का धार्मिक दायित्व होता था जो सभी मुसलमानों पर लागू होता था इसके अंतर्गत मुसलमानों को अपनी वार्षिक बचतों का चालीसवां भाग जरूरतमंदों और मुसाफिरों को देना पड़ता था अक्सर ये समझा जाता है कि जक़ात अदा करने का रिवाज स्वयं पैगंबर द्वारा शुरू किया गया था और ये ऐसे सभी मुसलमानों के लिए बाध्यकारी था जिनके पास इसे पूरा करने के लिए वित्तीय साधन थे इस प्रकार ये निश्चित रूप से शासकों द्वारा लगाया जाने वाला कोई कर नहीं था किंतु सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक जक़ात को एक नियमित कर के रूप में वसूल करता था और उसके लिए एक अलग खाता रखता था तथापि अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा इस कर को नहीं चुकाए जाने के उदाहरण भी देखने को मिले हैं सुल्तान और मुग़लों के शासनकाल में आयात और निर्यात पर विशेष रूप से मुस्लिम व्यापारियों को ढाई प्रतिशत की दर से जक़ात देना होता था जक़ात इस इस्तिला से मुराद एक मजहबी फरीज़ा है जो तमाम साहिब निसाब मुसलमानों पर फर्ज है जिन्हें अपनी सालाना आमदनी का चालीसवां हिस्सा ज़रूरतमंदों और मुसाफिरों को देना पड़ता है आम तौर पर कहा जाता है कि ज़क़़त अदा करने का अमल बाज़ाद ख़ुद पैगंबर ने शुरू किया और इसे उन मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दिया जो माली एतबार से अदा करने के अहल हों चुनाचे ज़क़़त बादशाहों की जानब से आयद करदा लाजमी महसूल नहीं था ताहम अहद सल्तनत में फ़िरोज़ शाह तुगलक़ अलाहिद महसूल के तौर पर ज़क़़त वसूल करता और इसका हिसाब अलहदा रखता था ऐसी भी मिसालें हैं कि असरख वाले लोग इस महसूल को अदा करने में टाल मटोल करते थे सुल्तानों और मुगलों के दौर में दरामदात व बरामदात पर बिलखसूस मुस्लिम ताहिरों के लिए ढाई फीसद जक़ात अदा करना जरूरी था पेज 147। जमीदार ज़मीदारी it is originally a persian word which means the holder of land in an extension of the meaning of this term the right of holding land was known as zamidari in the indian context the term came to be first used by amir khosrow from the fourteenth century onwards that is sultanate period to refer to the landed aristocracy at the rural level. Under the Mughals, especially from the time of Akbar's reign, the Zamidars came to be divided into three categories hereditary rulers, proprietary landholders, that is, with a legal right of ownership over land, and revenue collectors with a share in the produce of the land and other rights. During the colonial period, the English East India Company ushered in a system of land revenue. Under the Act of Permanent Settlement in seventeen ninety three, by which a new class of zamindars, that is landlords, was created in the Bengal Presidency out of the highest bidders who were granted proprietary rights over land in perpetuity. From the point of view of the company administration, this was done to ensure the steady inflow of revenue to its treasury at fixed rates. Perhaps there was also an idea behind it to encourage the landlords to invest in land, expand agriculture, and contribute to rural prosperity. However, on account of a late realization of the failure of this policy, the system of permanent settlement was not extended to other parts of the company territory in India. Instead, systems like Mahalwar and Rayatwari were introduced. Zamidar. Zamidari. ये मूल रूप से एक फ़ारसी शब्द है जिसका अर्थ है भूमिधारक इसका विस्तृत रूप जमींदारी है जिसका अर्थ है भूमि धारण करने का अधिकार भारतीय संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुस्रो द्वारा चौदहवीं शताब्दी अर्थात सल्तनत काल से ग्रामीण स्तर पर भूमिधारक अभिजात वर्ग के लिए किया गया था मुगलों के तहत विशेष रूप से अकबर के शासनकाल से जमींदारों को तीन श्रेणियों में बांटा जाने लगा वंशानुगत शासक जमीन पर मालिकाना हक रखने वाले और राजस्व संग्रहकर्ता जिन्हें भूमि की उपज में हिस्सा और अन्य अधिकार मिलते थे औपनिवेशिक काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन सत्रह सौ तिरानवे में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व की एक प्रणाली शुरू की जिसके द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारों की एक नई श्रेणी का निर्माण हुआ ये जमींदार वे लोग थे जो भूमि पर शाश्वत स्वामित्व के अधिकार प्राप्त करने के लिए भू राजस्व की ऊंची से ऊंची बोली लगाते थे कंपनी प्रशासन के दृष्टिकोण से ऐसा करने का उद्देश्य कंपनी के खजाने में निश्चित दरों पर लगातार राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित करना था संभवतः इसके पीछे एक और उद्देश्य यह था कि जमींदारों को भूमि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि कृषि का विस्तार हो और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिले किंतु आगे चलकर जब ये पता चला कि ये नीति सफल नहीं हुई है तो स्थायी बंदोबस्त की इस प्रणाली को भारत में कंपनी राज के अन्य भागों में लागू नहीं किया गया और इसके स्थान पर महालवाड़ी और रेयतवाड़ी जैसी प्रणालियां अपनाई गईं। जमींदार, जमींदारी इसलन ये फारसी लफ्ज है जिसके मायने जमीन रखने वाला है इस इस्तेला का तोसी मायने जमीन रखने का हक है जो कि जमींदारी के नाम से जाना जाता था हिंदुस्तानी सियाक में पहली बार अमीर खुसरो ने चौदवी सदी यानी अहद सल्तनत में इसका इस्तेमाल दही सतह के ज़मींदार अशरफिया के लिए किया था मुग़ल दौर में बिलखसूस अकबर के दौरे हुकूमत से ज़मींदारों को तीन ज़ुमरों मरौसी हुक्मरानों जमीन रखने वालों यानी ज़मीन पर कानूनी तौर पर हक मिलकियत रखने वाले और ज़मीन की पैदावार में हिस्सेदारी और दूसरे हकूक़ के साथ मालगुजारी वसूल करने वालों में तकसीम कर दिया गया था नौआबादियाती दौर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्रह सौ तिरानवे में मुस्तकिल बंदोबस्त के तहत मालगुजारी के इंतज़ाम में तरमीम की जिसकी वजह से बंगाल प्रेसिडेंसी यानी बंगाल एवान सदर में ज़मींदारों का एक नया तबका उभर कर सामने आया जिसमें से सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को ज़मीन पर मुनासिब हक हमेशा हमेशा के लिए दे दिया गया था कंपनी के निजाम के नुक़ः नज़र से ऐसा फैसला इसलिए किया गया था के खजाने में मुताना मकदार में जमा करने के लिए मालगुजारी में तेज़ी से इजाफे को यकीनी बनाया जा सके गालबन मालकान ज़मीन की हौसला अफजाई के पीछे ये भी मसलहत थी कि वो ज़रात की तोसी में सरमाया लगाएं और देहातों की खुशहाली में मदद करें ताहम बाद में इस मंसूबे की नाकामी के बाद मुस्तकिल बंदोबस्त को हिंदुस्तान में कंपनी के दूसरे इलाक़ों में नाफि नहीं किया गया बल्कि महलवाड़ी और रेतवाड़ी जैसे निजाम को अपनाया गया इन द मुगल एम्पायर स्टूड फॉर द पर्सनल रैंक विच अ मनसबदार एंजॉयड दिस रैंक नॉट ओनली फिक्सड द पर्सनल स्टेटस ऑफ द पर्सन इन द ओवरऑल मंसबदारी सिस्टम बट ऑल्सो द सैलरी दैट ही वुड गेट एज एज पर्सनल पे हाउएवर If a Mansabdar with a certain Zaat rank was also required to maintain a certain number of Savars, that is, mounted soldiers or cavalrymen, his pay varied. During Aurangzeb's time, the pay or the salary paid to a Mansabdar with a certain Savar rank was generally more than double of his equivalent Zaat rank. This was also because during his time these Mansabdars were required to recruit and maintain more troops to feed into the empire's war efforts in the Deccan region. Nevertheless, the Mansabdars with Zat ranks like their Savar counterparts had also particular obligations to discharge, for which they were paid their salaries. See also Mansabdari System. Page one hundred. 48. जात मुगल साम्राज्य में मनसबदार के व्यक्तिगत ओहदे को जात कहा जाता था यह ओहदा समग्र मनसबदारी प्रणाली में उसकी व्यक्तिगत स्थिति को ही निर्धारित नहीं करता था बल्कि यह भी तय करता था कि उसे अपने व्यक्तिगत वेतन के रूप में कितनी तनख्वाह मिलेगी किंतु यदि किसी जात ओहदे वाले मनसबदार को एक निश्चित संख्या में सवार अर्थात घुड़सवार सैनिक भी रखने पड़ते थे तो उसे मिलने वाले वेतन की राशि अलग होती थी औरंगजेब के शासनकाल में सवार ओहदे वाले मनसबदार को जो वेतन दिया जाता था वो उसके समकक्ष जात ओहदे वाले मनसबदार के वेतन से आमतौर पर दो गुना से भी ज्यादा होता था इसका एक कारण यह भी था कि उस समय इन मनसबदारों को दक्कन में चल रही लड़ाइयों में सहायता देने के लिए सामान्य से अधिक संख्या में सैनिक भर्ती करने और रखने पड़ते थे इतना ही नहीं जात ओहदे वाले मनसबदारों को सवार उहदे वाले मनसबदारों की तरह और भी कई दायित्व निभाने पड़ते थे जिनके लिए उन्हें वेतन दिया जाता था मनसबदारी प्रणाली भी देखें जात। मुमलिकत मुगलिया में मनसबदार के अहदे को ज़ात कहा जाता था अहदा मनसबदारी के पूरे निज़ाम में ना सिर्फ़ एक शख्स की ज़ाती हैसियत को मुतन बल्कि इससे मिलने वाली तनख्वाह को भी मुक्र करता था ताहम अगर ज़ात अहदे पर फ़ाइज किसी मनसबदार को मखसूस तादाद में सवारों यानी शह सवारों प्यादे और अफवाज का इंतज़ाम भी करना पड़ता तो इसकी तनख्वाह मुख्तलिफ होती थी औरंगजेब के वक्त मखसूस सवार वाले की तनख्वाह पर हम मसावी वाले की तनख्वाह से दुगनी से भी ज्यादा होती थी ऐसा इस वजह से भी था कि उस दौर में दक्कन इलाके में हुकूमत की जंगी जद्दोजहद को कामयाब बनाने के लिए मनसबदार को ज्यादा अफवाज की तकरीरी और उनकी देख रेख करनी पड़ती थी ताहम ओहदे वाले मनसबदारों को भी अपने रुतबा सवार की तरह खास जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थीं जिसके लिए इन्हें तनख्वाह दी जाती थी मजीद देखें निजाम मनसबदारी जिक्र इन सूफी ट्रेडिशन जिक्र रेफर्स टू डिवाइन नेम्स द सूफीज जनरली रिमेंबर गॉड आइदर रिसाइटिंग द जिक्र और बाय इवोकिंग गॉड्स प्रेजेंस थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिकल म्यूजिक जिक्र सूफी परंपरा में जिक्र शब्द का तात्पर्य देवीय नामों से है सूफी लोग आमतौर पर अल्लाह को याद करने के लिए या तो जिक्र का पाठ करते हैं अथवा रियासात्मक संगीत के द्वारा अल्लाह की उपस्थिति का आह्वान करते हैं जिक्र सूफी रिवायत में जिक्र से मुराद इलाही का विरद है सूफिया आमतौर पर खुदा को उसके नामों का विर्द या समा का एहतमाम करके याद करते हैं जिम्मी धिम्मी द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड अल अजिमा मीन प्रोटेक्टेड पीपल द टर्म अक्वायर्ड इट्स सिग्निफिकेंस इन रेफरेंस टू द नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स हु लिव्ड इन एन इस्लामिक स्टेट बाय वे ऑफ पेइंग अ टैक्स दैट इज जजिया इन ल्यू ऑफ द प्रोटेक्शन विच वॉज ऑफर्ड बाय द स्टेट टू देयर लाइव्स property and freedom of worship. Dhimmi status was originally applied to Jews, Christians and Sabians. But later on it included Zoroastrians and Hindus also. In later context, it was after the Arab conquest of Sindh in the beginning of the 8th century that Muhammad bin Qasim introduced the system of imposing the jizya after classifying the civilian people of the province. Who had not accepted Islam into three categories on the basis of their income. The details of these regulations of Qasim are found in the book Chachnama. See also Jazia Zimmi Dhimmi Ye Shabdh Arabi Bhasha ke shabd, Al Azima se vayut pannahuah hai, hai Sanrakshit Log. इस शब्द का प्रयोग उन गैर मुस्लिम लोगों के लिए किया जाता था जो किसी इस्लामी राज्य में रहते थे और अपनी सलामती के लिए उस राज्य को कर अर्थात जजिया अदा करते थे वो राज्य इस कर के बदले में उन लोगों को जिंदगी एवं संपत्ति की सुरक्षा और उपासना की स्वतंत्रता देता था धिम्मी का दर्जा मूल रूप से यहूदियों ईसाइयों और सेबियाई लोगों को दिया जाता था लेकिन आगे चलकर पारसी और हिंदू भी इसी श्रेणी में शामिल कर लिए गए परवर्ती संदर्भ में आठवीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंध पर अरबों की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के उन लोगों पर जजिया कर लगा दिया जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था कासिम ने उन लोगों को उनकी आय के आधार पर तीन श्रेणियों में बांट दिया था कासिम के इन कानून कायदों का ब्यौरा चचनामा नाम की पुस्तक में मिलता है जजिया भी देखें। जिम्मी ये अतला अरबी लफ्ज ज़म्मा से मुश्तक है जिसके मायने महफूज लोग हैं इस अह की अपनी खास अहमियत यह है कि इसका इतलाक़ उन गैर मुस्लिम रियाया पर होता है जो इस्लामी रियासत में हुकूमत की तरफ से फराहम शुदा जद के औज महसूल यानी जजिया देकर रहते थे जिसके औज रियासत इनकी जान और माल के तहफुज और परस्तिश की आजादी को यकीनी बनाती थी जिम्मी का आमतौर पर यहूदियों, ईसाइयों और सहाबियों को दिया जाता था लेकिन बाद में जरदश्ती और हिंदुओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया बाद में आठवीं सदी में अरबों के सिंध फतेह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सूबा में आबाद इस्लाम कबूल न करने वाले शहरियों को इनकी आमदनी के मद्देनजर तीन खानों में तकसीम करके निजाम जजिया नाफिज किया था कासिम के जरिए अपनाए गए उनकी तफसी में मिलती है मजीद जजिया जोरेस्ट्रियनिज्म द प्री इस्लामिक रिलीजन ऑफ इज मॉडर्न ईरान बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ दिक्स सेंचुरी बी सी ई परशियन प्रॉफिट एंड रिफॉर्मर जोरेस्टर ऑल्सो नोन एज जरथुस्त्रा Is referred to as Zoroastrianism. As a belief system, it contains both monotheistic and dualistic features in the sense that it tries to harmonize beliefs in multiple divinities under one unifying supreme God. Besides, it also believes in continuing conflict between the good and the evil, respectively, represented by Ahramzada and Ahiraman. It is believed that those who indulge in wrongdoing in their lives will be punished on the day of judgment when Ahurumzada ultimately attains victory over Ahiraman. Some of these essential ideas of Zoroastrianism enshrined in their sacred text Zend Avesta most likely went on to influence Judaism, Christianity, and Islam. Though it was ultimately in the wake of the Islamic conquest of Iran in the early seventh to eighth century CE that the influence of Zoroastrianism perceptibly declined and many of believers of the faith were popularly known as the Parsis had to leave the country. Many of those migrants had come to settle in the west coast of the Indian subcontinent and set up an example of coexisting with the people of India in absolute harmony. वन ऑफ द रिनाउम्ड प्लेसेज ऑफ जोरास्ट्रियंस वर्शिप इन इंडिया स्टिल कंटिन्यूज टू थ्राइव इन द टाउन ऑफ उदवाड़ा गुजरात पेज 149 हंड्रेड फोर्टी नाइन प्राचीन धार्मिक परंपरा है जो इस्लाम धर्म के उदय से पहले फारस अर्थात आधुनिक ईरान में प्रचलित थी ये परंपरा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पारसी पैगंबर और सुधारक जरथुस्त्र पर आधारित है एक विश्वास प्रणाली के रूप में एकेश्वरवादी और द्वैतवादी दोनों प्रकार की विशेषताएं लिए हुए ये धर्म एक एकीकरणकारी परमेश्वर के अधीन अनेक देवी देवताओं में विश्वासों के बीच समरसता स्थापित करने का प्रयत्न करता है इसके अलावा ये अच्छाई और बुराई के बीच लगातार चलने वाले संघर्ष में भी विश्वास करता है इसके अनुसार अहरमजदा अच्छाई का और अहिरमन बुराई का प्रतीक है ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो लोग अपने जीवन में गलत काम करते हैं उन्हें कयामत के दिन जब अहुरजदा अंततः अहिरमन पर विजय प्राप्त कर लेगा दंड दिया जाएगा ऐसा माना जाता है कि पारसी धर्म के प्रमुख सिद्धांतों ने जो इस धर्म के अनुयायियों की धर्म पुस्तक जेंद अवेस्ता में संकलित हैं आगे चलकर यहूदी ईसाई और इस्लाम धर्मों को प्रभावित किया था किंतु सातवीं और आठवीं शताब्दी में ईरान पर इस्लाम की विजय के परिणामस्वरूप इस धर्म का प्रभाव अंततः घटता गया और इसके अनेक अनुयायी जिन्हें पारसी कहा जाता है फारस को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए अपना देश छोड़कर बाहर जाने वाले पारसियों में से कई भारत आ गए और भारतीय उप के पश्चिमी समुद्र तट पर बस गए इन्होंने भारत के लोगों के साथ पूर्ण समरसता पूर्वक अस्तित्व का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है भारत में पारसी उपासना के सुप्रसिद्ध स्थलों में से एक है गुजरात का उदवाड़ा नगर जो आज भी फल फूल रहा है जरतुश्तीत ये छठी सदी कबल मसीह के पारसी पैगंबर और मसीह जोरस्टर जो के जरतुश्त के नाम से भी जाने जाते थे कि तालीमात पर मुबनी कबल इस्लाम फ़ारस यानी मौजूदा ईरान का मजहब है जो जरतुश्त के नाम से मरूफ था एक अकीदे की हैसियत से इसमें वहदानियत और सुनोयत दोनों की खसूसियात इस मायने में शामिल हैं कि मुख्तलिफ मबूदों पर यकीन को अजीम मबूद के तहत करके इनमें हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की गई है इसके अलावा इस बात पर भी यकीन रखा जाता है कि खैर के खुदा हर मसरद और शर के खुदा हर मन के दरमियान मुसलसल टकराव होता रहता है ये भी अकीदा है कि जिंदगी में गलत काम करने वालों को हिसाब व किताब यानी रोज़ क़्यामत के दिन हर मसरत सज़ा देगा जब वो बिल आखिर हर मोमिन पर फायाब होगा जरतुष्ट के बाद ज़रूरी नज़रियात जो उनकी मुक़द्दस किताब जेना वस्ता में महफूज हैं बहुत मुमकिन है इसने यहूदियत ईसाइत और इस्लाम को मुतासर किया हो ताहम इब्तदाई सातवीं और आठवीं सदी ईसवी में ईरान पर इस्लाम के फ़तेयाब होने के बाद जुर्श्तीत के असरात में काबिल कदर कमी आई और इस अक़ीदे पर यकीन करने वालों को जो कि पारसी के नाम से जाने जाते थे मुल्क छोड़ना पड़ा इन महाजरीन में से बहुत से बरे सगीर हिंद के मगरबी साहिल में आबाद हुए और यहाँ पहले से आबाद हिंदुस्तानियों के साथ मुकम्मल हम आहंगी की मिसाल कायम की हिंदुस्तान में एक मशहूर तरीन जरतुश्ती इबादत गाह गुजरात के उदवाड़ा शहर में हनूज फल फूल रही है लेटर्स डब्ल्यू टू जेड ऑफ़ ट्रायलिंग डिक्शनरी ऑफ हिस्ट्री फॉर स्कूल इंडिया रेड बाय सुचित्रा गुप्ता एंड मोहम्मद साद ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी यू एर जस्ट लिसनिंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन राजेश निमेश सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन डॉ सीमा शुक्ला ओझा प्रोजेक्ट एडवाइज डॉ भारती कौशिक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बटीलैंग लिंगडो एसिस्टेंस इन प्रोडक्शन मीनाक्षी कुकरेती फ्रेमवर्क एडवाइज अजीत होरो प्रोडक्शन कॉर्डिनेशन वंदना अरिमर्दन Produced and directed by Vimlesh Chaudhary. And this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.